सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। और आज हम बात करेंगे वर्ग संबाहु और व्रत से संबंधित क्वेश्चन, जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे हम आसानी से कॉन्सेप्ट बेस तैयारी करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और 6 के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। आप इनको पढ़िए, समझिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वर्ग की भुजा एक्स और समबाहु त्रिभुज की भुजा एक्स दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल और अपॉन में रखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक्स स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, और ये होता है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1/√3/4 और 4 ऊपर चला जाएगा तो रेशियो जो बनकर आएगा वो आएगा हमारे पास 5:√3, जो उनका अनुपात आएगा वो आएगा 4:√3। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, जिसमें पूछा गया है वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं A1 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए A2, और फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसको R1 मान लेते हैं, इसको पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल होगा, R1 कितना है, एक के लिए त्रिज्या 2 है, 2 का स्क्वायर, और दूसरे के लिए त्रिज्या है 3, तो 3 का स्क्वायर तो ये हो गया 2×2=4 और 3×3=9। तो यानी कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा A1 A2 वो आएगा हमारा 4:9। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अनुपात का क्षेत्रफल कितना होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए हमारा समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त है, ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर भुजा है, ये 6 तो अगर ये 6 है तो ये बीच में ये 3 होगी। सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले ये वाली भुजा निकालेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कैसे ए बी निकालेंगे, ए बी स्क्वायर निकालना है, पाइथागोरस से निकालेंगे, ए सी स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 36 - 9 यानी कि 27, तो ए बी हो जाएगा हमारे पास 27√, और जो होता है 3√3, तो ए बी हमारे पास 3√3 हो गया। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, और जो हमारी ये रेखा होती है, ये जो है माध्यिका, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है सेंटर से, एक ऊपर वाला होगा उसको बोलते हैं परित्रिज्या, और नीचे वाले को बोलते हैं हम अंतःत्रिज्या। जो परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है, 2:1 में। तो अगर ए बी हमारी 3√3 आ रही है तो इसका मतलब ऊपर वाला होगा 2√3 और नीचे वाला होगा केवल √3। ठीक है, ये हो गए √3, ऊपर वाला 2√3, और जो √3 है वो है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है √3। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई √3 का स्क्वायर होगा 3 पाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 पाई
वन सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम एक समबाहु त्रिभुज के अंदर को अगर कोई वृत्त दिया हुआ है, अंतःवृत्त है, उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इस मेथड का प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। मान लीजिए एक वर्ग है हमारा, ठीक है, और उसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल वही होगा, x भुजा का, तो x स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वो होता है रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या a मान लेते हैं, चलिए इसकी भुजा के लिए a मान लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इससे कि, ठीक है। अब a क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा, और x है वर्ग की भुजा। अगर x भुजा है तो ये जो विकर्ण है ये x रूट 2 होगा, और जो विकर्ण है वर्ग का वो क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। जो वर्ग का विकर्ण है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और वर्ग का विकर्ण होता है एक्स रूट टू, तो यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी एक्स रूट टू। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? एक्स रूट टू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहां पर ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू रूट टू स्क्वायर होगा, केवल 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन रूट 3। जो हमारा रेशियो बनकर आएगा वो आएगा रेशियो, वो होगा 2 रेशियो रूट 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, ये वो क्वेश्चन है कि वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अक्सर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज जिसके परिमाप एक समान हो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एक समषट्भुज है, मान लीजिए ये समषट्भुज हो गया और एक हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अब दोनों के परिमाप तब बराबर होंगे जब मान लीजिए ये x मान ले, ये x, ये x, ये x, ये x, यानी कि 6x हो गया परिमाप, और 6x ही अगर समबाहु त्रिभुज का बनाना है तो ये 2x हो गई भुजा, इसकी 2x हो गई और इसकी 2x हो गई, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का पद बताना है। चलिए बता देते हैं समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं समषट्भुज में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था इसका फॉर्मूला कि एक समषट्भुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो यानी कि 6 गुणा रूट 3/4 इंटू एक्स भुजा है तो एक्स स्क्वायर, ठीक, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां x की वैल्यू क्या है? 2x, तो 2x रख देंगे, 2x का स्क्वायर, रूट 3/4 से रूट 3/4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4, जो अनुपात बनकर आएगा, रेशियो जो बनकर आएगा वो आएगा हमारे पास 3:2। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जहां पूछा जाए कि एक समषट्भुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। अब चतुर्भुज है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि इन सबको x के फॉर्म में रख लेते हैं, 3x 4x 5x 6x = 72, 6 5 11 4 15 3 18x = 72 18 4 = 72 एक्स बराबर हो गया 4, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है?
भुजा बनेगी ये 6 6x यानी कि 6 × 4 6 × 24 सेंटीमीटर। सबसे छोटी पूछे तो 3 3 × 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, 6 के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको देखिए, समझिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब कल की वीडियो जो आगे अब वीडियो आएगी उसमें आपको मैं वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। वॉल्यूम की बात करें, घन घनाभ, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, ठीक, और बात करते हैं कोन यानी कि शंकु की बात करते हैं, सिलेंडर यानी कि बेलन, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो करीब 3 4 5 वीडियो करीब इसके ऊपर भी आएगी। मेरा मकसद मतलब ये है कि आपको सारी की सारी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इन वीडियो के जरिए दे देना है। तो जैसे भी होगा 4 5 वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा वॉल्यूम का जो पोर्शन है, क्षेत्रमिति का वॉल्यूम वाला पोर्शन है, उसको कम्प्लीटली सॉल्व करा दूंगा। और उसके बाद फिर देखते हैं कोई नया टॉपिक उठाएंगे या फिर देखते हैं ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी ने अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल प्लीज कर लें, और कर लिया है तो प्लीज घंटी का साइन पर क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं डेली लेकर आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।